Assalamualaikum everyone, this is Waqas Mushtaq and you are watching Maya Vlogs. आज 14 फरवरी है और बहुत ही खूबसूरत दिन है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इस 14 फरवरी को मना रहे हैं, लेकिन आज हम दोस्तों ने प्लान किया है कि हैंग आउट करेंगे क्योंकि 14 फरवरी हमें भी बनाना चाहिए। आपस की यारी है, प्यार है। और इस वक्त अगेन मैं किसके साथ बैठा हो सकता हूँ, डेफिनेटली मेरे साथ शेजी बैठे हुए हैं, काशिफ बैठा हुआ है। और काशिफ के साथ साथ आज काशिफ के बहुत ही प्यार और बड़े ही खूबसूरत मेंबर्स आए मेरे घर के, तो आओ विद अस। और एज यूजुअल जो है शेजी जो है वो इस टाइम गाड़ी ड्राइव करें, तो पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज काशिफ के साथ कौन कौन आया है। तो अभी हम जो है यहाँ पे पूछते हैं कि आज हमारे साथ ये छोटे छोटे गेस्ट को। जी जी काशिफ साहब का नाम है शरियार। अच्छा माशाल्लाह से अच्छा और जबीउल्लाह और शरियार ने आज हमको ज्वाइन किया है। और इस एक एरिया है काफ़ी मशहूर है जिसको कहते हैं डैम साइड। मैंने मोस्टली अपना व्लॉग बनाना है वहाँ पर चाय पीने के लिए जब हम जाते हैं। तो आज काशिफ, मैं और शिराज उर्फ शेजी जो है प्लान कर रहे हैं कि जाएंगे और ऑलमोस्ट काइट फ्लाइंग करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या क्या होता है आज। जी जनाब, तो हम आ चुके हैं और हम पतंगबाजी का टाइम, हवा बिल्कुल होगी। बच्चे भी उतर गए हैं और इस टाइम दे जस्ट गेटिंग रेडी और पतंगबाजी करनी है इन्होंने। जी तो यहाँ पे जो है पतंग के कन्ने और बाकी चीज़ें सेट हो रही हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट मेरा व्यू क्लियर नहीं है। एंड दिस इज द स्पेसिफिक एरिया जहाँ आज हम आए हुए हैं फॉर काइट फ्लाइंग। आपको मोस्टली मैंने ये वाला एरिया हमें कुछ ब्लॉग्स में दिखाया है जहाँ मोस्टली मैं आता हूँ। काफ़ी ओपन एरिया है क्वेटा के इस जगह का, दैट इज़ द रीज़न कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आप काइट फ्लाइंग कर सकते हैं। कोई भी ओकेजन होता है यहाँ बड़ा अच्छा रशकश लगा रहता है। तो शीजे साहब जो है इस टाइम इज ऑल रेडी टू फ्लाई हिज काइट पतंग, प्रॉपर आई गेस इट्स पतंग। और काशिफ साहब की जो है वो पतंग उड़ चुकी है। वेल, आप लोगों से डिस्कस करता चलूं कि अब कुछ अपकमिंग मेरे एक दो व्लॉग्स होंगे जो ख़ास तौर पे पसंद से रिलेटेड होगा। एक दिन आई विल बी गोइंग टू शेजीज रेजिडेंस और वहाँ पे ऑल द प्रिपरेशन रिगार्डिंग ये डोर और ये पतंग और सारा कुछ कवर करेंगे। और इसके साथ अगले दिन, उस दिन का वो अलग व्लॉग होगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो फ्राइडे होगा मेन, उस दिन का व्लॉग अलग होगा। दैट विल बी टोटली ऑन बसंत। और आई वॉज थिंकिंग टू वेयर दिस ड्रेस ऑन बसंत, लेकिन आज मैंने पहन लिया विथ माई मैचिंग ग्लासेस। सो डू लेट मी नो हाउ आई एम लुकिंग और देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। एंड वन मोर थिंग आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस विद यू गाइस कि आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा बिजी था, दैट इज़ द रीज़न कि मेरे जो वट टू वेयर के एपिसोड्स हैं वो थोड़े से पाइपलाइन में रह चुके हैं, पेंडिंग में हैं। तो मैं अपने वट टू वेयर के अपकमिंग दो एपिसोड्स बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। वैसे एक बात है कि काशिफ ने और शेजी ने और ऑलमोस्ट उसके कुछ फ्रेंड्स ने काफ़ी पेमेंट जो है खर्च कर चुके हैं और काइट्स और डोर सब कुछ। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में वो सारा कुछ दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या ख़रीदा है, कौन सी डोरें ख़रीदी हैं और उसके साथ साथ अपने इस बसंत के फेस्टिवल को किस तरीके से मनाने जा रहे हैं। और इस वक्त थोड़ा सा शेजी का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था क्योंकि डोर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी ऑफ काशिफ। लेकिन होता रहता है, दिस इज समथिंग दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स फाइन टोटली। क्या हुआ काशिफ? उड़ाई शेजी। हाँ पूरी तरह फट गई है।
उड़ा नहीं सके हम। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर शेजी का मूड और ख़राब हो गया। देख लीजिए भाई, ऐसा भी होता है। आप लोग कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? वेल, एक बात है कि उस टाइम शावर लिया हुआ था मैंने और मेरे बाल तो मैंने जब लगा लिया था, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू गिव दिस वेट लुक टू माय हेयर, दैट इज द रीजन कि मैंने अब मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, सो आई जस्ट वांट टू गिव दिस वेरी रफ एंड अ ड्राई लुक। तो होपफुली कि अभी ठीक हो गए विद अ प्रॉपर पफ, जिसको हम आम जुबान में शायद नहीं जानते, लेकिन मोस्टली लोग इसको पॉम्पाडोर बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉपर पॉम्पाडोर, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस। तो बाहर चलते हैं। वैसे भी शेजी ने भी दरवाजा खोला कि करके आ रहे, मेरे को अपने बाल ब्रश कर रहा हूँ। अभी हम पूछेंगे आखिर रीजन क्या था शेजी का गुस्से में आने का। शेजी जी भाई, आप गुस्से में क्यों आए? मैं गुस्से में क्यों आया? मैं गुस्से से पूछ के मुझ में क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? क्यों आया? I don't know। गुस्सा नहीं आया, समझाया मैंने बच्चों को क्या कि ऐसे नहीं करते। क्या है मैं काशिफ? क्या हुआ था? ₹300 की है। अल्लाह की बना, इसमें एक आम सी टी शर्ट आ जाती है जो आप बहुत ही अच्छे से एक दो दफा जिम में पहन सकते हो और उसके बाद आप उसको नाइटवेयर में निकाल लेते हो, लेकिन ₹300 का एक पतंग, नो वे, इम्पॉसिबल। शायद शौक नहीं है, शायद इसी वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन यार फिर भी ₹300 की एक पतंग, वाओ। तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी की बैक सीट पे और इस वक्त शेजी, काशिफ और हमारा ये दो बच्चे जो है, दे आर जस्ट एंजॉइंग द कार फ्लाइंग। लेट मी शो यू। अभी टेडी पान क्या होता है? टेडी नहीं, टेडी साथ पड़ा है तेरे। वही जो मैंने अभी दिखाया ₹300 वाली, ₹300 के नीचे ब्लैक कलर। जी तो पतंगों के भी नाम है भाई, टेडी पान है, टेडी पान, छोटा पान, छोटा पान, छोटा पान। क्या क्या नाम है टेडी? अच्छा पतंगों के नाम तो जरा बताओ मुझे। शेजी बताएगा। शेजी जरा पतंगों के नाम बताओ। यही बात, ₹300 वाली ना, ये मैंने बता दिया। इसमें एक टी शर्ट आ जाती है, आ जाती हर वाली। लेकिन हम चलो, एक हुआ टेडी पान, छोटा पान, एक क्या हुआ शेजी, काशिफ, वो भाई क्या बैरे हो गए ये लोग। हाँ जी, पेचा लड़ गया, 14 फरवरी पे पेचा लड़ गया और कट गया। तालिया हमारी फोटो। वाओ कटवा दी। अब
जो पतंग कटी उसका नाम क्या था? बड़ा पान कट गया, छोटा पान और तुक्कल। बड़ा पान कट गया, छोटा पान। अब काशिफ आ गया, काशिफ मुझे बताएगा पतंगों के नाम ताकि मुझे पता चले। क्या क्या नाम है? एक बड़ा पान है जो अभी उड़ाया था ब्लैक, एक है बड़ा पान, एक जो शेजी ने पकड़ा हुआ उस तरफ मुंह कर, छोटा पान। ये कौन सा है? ये छोटा पान, टेढ़ी पान, निक्का पान, निक्का पान, जिसपे छोटा पान बैठे पीछे जो बड़ी है इसको तुक्कल कहते हैं। तुक्कल। और कितने होते हैं? तुक्कल भी कहते हैं उसको, पतंग भी कहते हैं। और एक वो परियल है जो उसके शेजी के घर में पड़ी थी। परियल, ठीक है। वैसे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा सारे पतंगे और उनके नाम भी बताएंगे आपको, क्योंकि थर्सडे को जिम के बाद जो है हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं शेजी के घर पर, और हम जो है ना, नहीं थर्सडे को, हाँ तो बसंत रात ही, बसंत रात को हम मिल रहे हैं और सारी चीजें आपको बताएंगे। इंटरेस्ट ड्राई कर रहे हो, मजा आ रहा है आप लोग को? बस ये चार किस्म की पतंगे होती हैं, नहीं और भी होती हैं जिस पर डिजाइनिंग जितनी ज्यादा। नाम बताओ। डबडबी है जिसको, नहीं डबडबी है भाई, और जैसे चेस गेम होती है, और एक दो अखल है जिसकी दो आंखें, एक अखल एक आंख वाला शागली वो साइड पर होते हैं जी। तो अब हम जा रहे हैं अपनी पुरानी जगह पे जिसका नाम है कैंटीन, और कैंटीन जाके हम बैठेंगे और वहाँ पियेंगे मस्त किस्म की चाय। हम कहाँ जा रहे हैं? हम चाय भी नहीं जा रहे क्योंकि गुड़िया कटवा चुके हैं कैंटीन। अभी बुरे लग से जा रहे, सब लोग बुरे लग से जा रहे हैं। काशिफ कोई शक्ल नहीं है ना? हम पहुंच चुके हैं, वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी, सो होपफुली कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे अपकमिंग जो दो व्लॉग्स होंगे उन बसंत फेस्टिवल वो भी पसंद आएंगे, और बहुत ही जल्द अपने दो व्हाट टू वेयर के जो दो एपिसोड्स हैं ऑन स्पोर्ट्स वेयरिंग और शलवार कमीज भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।